हमीरपुर को स्वच्छता की रैंकिंग में लाने के लिए मुहिम तेज हो गई है और सर्वेक्षण 2019 के तहत शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कवायद की जा रही है, जिसके तहत न केवल नगर परिषद के द्वारा दिन के समय में बल्कि रात के समय में भी सफाई करवाई जा रही है। तो जिला प्रशासन की हर एक कर्मचारी भी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आगे आ रहे हैं। डोर टू डोर कचरा एकत्रित कर कूड़ादान मुक्त शहर को बनाया जा रहा है, जिससे गंदगी का नामो निशान मिट सके। केंद्र सरकार के शहरों में स्वच्छता का रैंकिंग हासिल करने वाले शहरों को अच्छी खासी रकम दिए जाने के चलते अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं अगर बात नगर परिषद हमीरपुर की करें तो सफाई के लिए शहर में हर जगह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे शहर भी साफ सुथरा बन गया है। एडीएम रतन गौतम का कहना है कि स्वच्छता का संदेश देने के लिए कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं और इनके जो परिसर हैं, इनकी सफाई का कार्यक्रम रखा गया था और इस कड़ी में सभी जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने अपने कार्यालय को साफ सुथरा स्वच्छ करने में आज कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में जिलाधीश कार्यालय परिसर में भी ये अभियान रखा गया और उसके तहत जो बरसात के दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ्स हो गई थी, वो सारा का सारा जो है वो आज हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनने मिल करके जो है इसको नगर पालिका के साथ साफ किया है और अपने परिसर को, कार्यालय को स्वच्छ करने की एक मुहिम के तहत काम किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी नगर परिषद की स्वच्छता के लिए छेड़ी गई मुहिम की प्रशंसा की और लोगों का कहना है कि हर घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद ले जाती है, जिससे गंदगी से छुटकारा मिलता है और सभी लोग भी स्वच्छता अभियान में नगर परिषद का साथ दे रहे हैं। हमीरपुर शहर में जो मैं आजकल देख रहा हूँ, सफाई का अभियान चला हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था चली हुई है। अभी भी मैं देख रहा था कि अभी भी सफाई कर्मचारी नीचे भी ऊपर भी सब हर तरफ, जहाँ मैं देख रहा था ऊपर भी किया था मैं, अच्छी सफाई चली हुई है। तो मुझे लगता है कि जो 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, मैं चाहूँगा वो हमीरपुर को ही मिले, क्योंकि हमीरपुर के एमसी ने इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि इस टाइम भी 8:30 बजने वाले हैं तो पूरी जोर शोर से भी सफाई चली हुई है, मैं इसके लिए एमसी को बधाई देता हूँ। लोगों का कहना है कि दिन के समय में तो सफाई होती है, लेकिन अब रात के समय में भी सफाई की जा रही है, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नगर परिषद हमीरपुर को स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग मिले। अति उत्तम परियोजना है, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे के बाद गाड़ी कचरा उठाने के लिए पूरी कॉलोनी के हर चौक पे और जहाँ तक संभव है वहाँ तक जाती है, घर का सारा कूड़ा उठा के ले जाते हैं। हम बहुत आशान्वित हैं इस अभियान से और आशा करते हैं कि हमीरपुर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रदेश में नंबर 1 और हो सके तो देश में नंबर 1 बने। धन्यवाद। ये जो स्कीम चली है ये बहुत अच्छी है, नगर परिषद की तरफ से जो बहुत सराहनीय काम है। कूड़ा जो इधर उधर फेंकते थे लोग, अब वो डायरेक्ट मतलब गाड़ी से उठा रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है हर जगह स्वच्छता बनी रहेगी, हर जगह साफ सफाई बनी रहेगी और बहुत अच्छा जो है वो स्कीम चली है, डोर टू डोर जो उठा रहे हैं। और सबसे मतलब इससे जो है हमारा जिला जो है बहुत स्वच्छ। मैं हमीरपुर से 67 से रह रहा हूँ 1967 से, और जो स्वच्छता अभियान चलाया कमेटी ने नगर परिषद में, बहुत ही काबिल तारीफ है। और दुकानों में भाइयों से भी, बुहारी भाइयों से भी, मैं उद्यमी संघ का प्रधान हूँ, मध्य प्रदेश और एसोसिएशन का प्रधान हूँ, सब सदस्यों से भी यही अपील है, संघ भाइयों से भी अपील है कि स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और जो नगर परिषद ने कार्य चलाया उसका पूरा सहयोग दें। और बहुत खुशी की बात कि मेरे को ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान में हमारा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर का नंबर 1
स्वच्छता अभियान में और जो नगर परिषद है और इन्होंने रात को भी दिन को भी दोपहर को भी स्वच्छता अभियान चलाया है, सफाई का पूरा बहुत ही खूबसूरती से। ईओ विनोद कुमार का कहना है कि स्वच्छता अभियान के तहत नगर परिषद ने पूरी कोशिश की जा रही है कि इस अभियान को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमीरपुर शहर को पूर्णतः स्वच्छ बनाया जा सके। गौरतलब है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत काम किया गया है और अब स्वच्छता अभियान के तहत किए गए कामों का अवलोकन किया जाएगा और सर्वेक्षण में अव्वल रहने वाले शहर को इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के आदेश पर के कहने पर ये हमारा मिशन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। इसमें हमने पूरे शहर में अलग अलग जगह पर अलग अलग रैली की। इसमें हमने 14 से 15 किस्म की एक्टिविटीज़ की, हर स्कूल में एक्टिविटी की, कार्यालयों में की, और हमारा जो मेन जो स्ट्रेस था स्वच्छता के ऊपर, ओपन डेफिकेशन ना हो। रात्रि का जो हमने सफाई अभियान शुरू कर रखा है, हम वो दिन में 3 टाइम कर रहे हैं, एक रात को लेट नाइट करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं और दोपहर को करते हैं। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट्स, इनके ऊपर भी हमारा ज़्यादा जोर दिया है। इस तथा हमारे जितने भी झुंगी झोंपड़ी है यहाँ पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। हमने स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेस बनाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम इस अभियान को और भी ऊपर तक ले जाएं। धन्यवाद। अच्छा, इसके अलावा हमने डोर टू डोर का भी हमने अभियान शुरू कर रखा है। हर वार्ड में हमने गाड़ियां लगाई हुई हैं तथा इसमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसमें सवेरे सुबह प्रातः हम 7 बजे से जाके 11 बजे तक हर घर घर से हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तथा हमारा जो पॉलीथीन है इसके ऊपर भी हमने इकट्ठा किया है तथा सॉलिड वेस्ट का जो था उसको भी हम प्रॉपर रूप से खाद बना रहे हैं तथा जितना भी पॉलीथीन हमारा इकट्ठा हो रहा है इसका हमारा MOU जो है ACC परमाना के साथ हुआ उसको भी हम भेज रहे हैं।